Good morning everyone. Welcome to TS in the School. Myself Swati Mahawar. I teach SST subject. Today we start with the subject history of class 10. We start with chapter number 2, Nationalism in India. Come to page number 62. First section of this chapter was completed, first and second section. Now today we start with the third section of this chapter, towards civil disobedience. Come to the page number 62. In February 1922, Mahatma Gandhi declared to withdraw the non-cooperation movement. February 1922 के अंदर महात्मा गांधी ने डिसाइड किया कि हम जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट उन्होंने जो स्टार्ट किया था उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर देंगे. ही फेल्ट द मूवमेंट वॉज टर्निंग वॉयलेंट इन मैनी प्लेसेज एंड सत्याग्रही इज नीडेड टू बी प्रॉपरली ट्रेन बिफोर दे वुड बी रेडी फॉर मास स्ट्रगल्स. उन्होंने देखा कि इंडिया के अंदर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो वॉयलेंट फॉर्म के अंदर सर्वाइव हो रहा था, वॉयलेंट फॉर्म के अंदर पूरे इंडिया के अंदर वो चल रहा था. तो महात्मा गांधी ने कहा कि पहले हम लोगों को ट्रेन करेंगे कि किस तरीके से मास स्ट्रगल करना है, हमें किस तरीके से इंडिया को यूनाइट करके स्ट्रगल करना है इंडिया को फ्री कराने के लिए, उसके बाद ही हम कोई दूसरा मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggle and wanted to participate in elections to the provincial councils that had been set up by the Government of India Act of 1919. अब कांग्रेस के अंदर लीडर्स ने क्या बोला कि हम ऐसे इस तरीके से लड़ाई लड़ते लड़ते थक चुके हैं, अब हमें इस तरीके से कोई लड़ाई नहीं लड़नी है, कोई मूवमेंट वगैरह हमको नहीं करना है, अब हमें क्या करने हैं, इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करना है और लीडरशिप के अंदर आकर के हमें इंडिया के ऊपर रूल करना है. जो इलेक्शंस जो थे प्रोविंशियल काउंसिल के किस एक्ट के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 के थ्रू उन्होंने सोचा कि अब हम इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे. दे फेल्ट दैट इट वॉज इम्पॉर्टेंट टू अपोज ब्रिटिश पॉलिसीज विद इन द काउंसिल्स. उन्होंने क्या सोचा कि हम अगर हम लीडर्स बन जाएंगे, अगर हम प्रोविंशियल काउंसिल के अंदर आ जाएंगे तो जो ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ थी हम उनको क्या कर देंगे, अपोज कर देंगे. जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे ऊपर लगाना चाहती है लॉज वगैरह, वो सारे लॉज हम मानने से इनकार कर देंगे. आर्ग्यू फॉर रिफॉर्म एंड ऑल्सो डिमॉन्स्ट्रेट दैट दीज काउंसिल्स वर नॉट ट्रूली डेमोक्रेटिक. और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनको हम जवाब दे सकेंगे कि आप जो भी रूल्स और रेगुलेशन बनाते हो, जो भी आप रिफॉर्म्स वगैरह करते हो वो डेमोक्रेटिक नहीं है. यानी कि उसका प्रेशर सिर्फ किसके ऊपर आता है, इंडियंस के ऊपर आता है. सी आर दास एंड मोतीलाल नेहरू फॉर्म द स्वराज पार्टी विद इन द कांग्रेस टू आर्ग्यू फॉर अ रिटर्न टू काउंसिल पॉलिटिक्स. अब सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने एक पार्टी बनाई, उस पार्टी का क्या नाम था, स्वराज पार्टी. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब हुआ था, 1999 के अंदर हुआ था. और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ख़त्म कब हुआ था, फरवरी 1922 के अंदर. बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर सम रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस. अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला, उन्होंने इस चीज़ को प्रेस किया कि सबसे ज़्यादा जो उन्हें क्या चाहिए, मास हेजिटेशन, यानी कि जो गोरे काले का जो भेदभाव होता है वो हटा करके हमें हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंट कराना है. उनका मेन फोकस इस चीज़ के ऊपर था. इन सच अ सिचुएशन ऑफ इंटरनल डिबेट एंड डिसेंशन टू फैक्टर्स अगेन शेप्ड इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड द लेट 1920s. द फर्स्ट वॉज द इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन. अब दो सिचुएशन इंडिया के सामने आकर खड़ी हो गई थी. सबसे पहला तो था इकोनॉमिक डिप्रेशन. इंडिया किससे जूझ रहा था, इकोनॉमिक डिप्रेशन से जूझ रहा था इन द लेट ईयर्स ऑफ 1920. एग्रीकल्चर प्राइसेस बिगेन टू फॉल फ्रॉम 1926 एंड कॉलेप्स आफ्टर 1930. जो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे, जो क्रॉप्स के जो प्राइसेस थे वो डाउन आ गए थे 1926 के अंदर एंड कॉलेप्स आफ्टर 1930. और 1996 से लेकर के 1930 तक ये जो प्राइसेस थे वो धीरे धीरे कम होते गए. As the demand for agriculture goods fell and export declined, peasants found it difficult to sell their harvest and pay their revenue. अब export भी उनका fail हो गया. इंडिया के बाहर वो अपना एग्रीकल्चर प्रोडक्ट नहीं बेच सकते थे. एक्सपोर्ट डिक्लाइन होने की वजह से उनके पास में इतने पैसे नहीं होते थे कि वो रेवेन्यू पे कर दें. तो उनको हार्वेस्टिंग के अंदर अपने प्रोडक्ट को, जो भी वो हार्वेस्ट करते थे, जो भी वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनाते थे, उसको आगे सेल करने के लिए उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े और उनके पास इतना भी मनी नहीं होता था कि वो रेवेन्यू पे कर दें. बट 1930 द कंट्री साइड वॉज इन टर्मोइल. 1930 के अंदर कंट्री के अंदर एक चेंज आया. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड द न्यू टोरी गवर्नमेंट इन ब्रिटेन कॉन्स्टिट्यूटेड अ स्टैचुअरी कमीशन अंडर सर जॉन साइमन. अब एक कमीशन बनाया गया सर जॉन साइमन के अंडर में,
गवर्नमेंट के खिलाफ, कौन से गवर्नमेंट के खिलाफ, ब्रिटेन गवर्नमेंट के खिलाफ, सेट अप इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट द कमीशन वॉज टू लुक इन टू द फंक्शनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। किस लिए बनाया गया था? कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम जो था इंडिया का, उसको देखने के लिए और उसके अंदर अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करने के लिए, यानी लोगों के वेलफेयर के लिए उसके अंदर चेंजेस करने के लिए। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर, दे वर ऑल ब्रिटिश। अब कमीशन तो उन्होंने बना दिया गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम के अंदर चेंजेस करने के लिए, जिसका हेड उन्होंने किसको बनाया था, सर जॉन साइमन को बनाया था। कौन सा कमीशन था वो? स्टैचुअरी कमीशन, ठीक है। लेकिन उसके अंदर कोई भी सिंगल इंडियन मेंबर नहीं लिया गया था, सारे उसके अंदर कौन थे? ब्रिटिशर्स थे। किसी भी इंडियन को वहाँ पर लीडर नहीं बनाया गया था। When the Simon Commission arrived in India in 1928, it was greeted with the slogan "Go back, Simon." Now, Simon Commission India के अंदर कब आया था? 1928 के अंदर आया था और एक slogan के साथ में India के अंदर उसने काम किया था, the "Go back, Simon." क्या slogan था उनका? "Go back, Simon." All parties including the Congress and the Muslim League participated in the demonstration. जितने भी Congress leaders थे और जो Muslim League के जो भी leaders थे, उन सब ने उसके अंदर participation किया था। In an effort to win them over, the Viceroy Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status. अब लॉर्ड इरविन जो थे वाइसरॉय ऑफ इंडिया, लॉर्ड इरविन ने अनाउंस किया अक्टूबर 1928 के अंदर कि डोमिनियन स्टेटस ऑफ इंडियन इन एन अनस्पेसिफाइड फ्यूचर एंड अ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टू डिस्कस अ फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन। अब उन्होंने एक डोमिनियन स्टेटस बनाया इंडियंस का, जिसके अंदर उन्होंने एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखा, एक कॉन्फ्रेंस उन्होंने की जहाँ पे इंडियंस थे वहाँ पर लीडर्स वगैरह आकर के, इंडियन लीडर्स ने आकर के वहाँ पर डिस्कशन किया फॉर देयर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, कि आने वाले टाइम में उनका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होना चाहिए। दिस डिड नॉट सेटिस्फाई द कांग्रेस लीडर्स, द रेडिकल्स विद इन द कांग्रेस लेड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। लेकिन इस कॉन्फ्रेंस से भी इंडियंस को किसी तरह की कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, कोई खुशी नहीं हुई थी उनको। तो रेडिकल्स जो थे कांग्रेस के अंदर, रेडिकल्स बनाए गए थे जो किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। बिकम मोर असर्टिव, जो रेडिकल्स वहाँ पर बनाए गए थे, जिन्होंने बनाए थे जवाहरलाल नेहरू सुभाष चंद्र बोस ने, उनका कोई भी रोल वहाँ पर प्ले नहीं हुआ था। द लिबरल्स एंड मॉडरेट्स हु वर प्रपोजिंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ ब्रिटिश डोमिनियन ग्रेजुअली लॉस्ट देयर इन्फ्लुएंसेस। जो लिबरल्स थे, जो मॉडरेट्स वहाँ पर रखे गए थे, वो ब्रिटिश डोमिनियन यानी ब्रिटिश सरकार के अंडर जो काम कर रहे थे, तो उनके दबाव की वजह से, उनके प्रेशर की वजह से, वो सारे अपने जो भी इंडियंस के जो राइट्स थे वो सारे उनसे ले लिए गए थे। इन December 1929 अंडर द प्रेजिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। लीडर्स बना दिए गए थे कांग्रेस के अंदर, अलग अलग पार्टीज़ उन्होंने बना दी थी, लेकिन उसके बाद भी उनके हाथ में कोई पावर्स नहीं दी गई थी। मेन पावर्स किसके डोमिनियन के अंदर थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट के। जो भी काम होता था ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछे बिना नहीं होता था। तो इसके अपोजिशन में जवाहरलाल नेहरू ने एक कांग्रेस रखी थी, उस कांग्रेस का क्या नाम था? लाहौर कांग्रेस। उस लाहौर कांग्रेस को किसने बनाया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। उस लाहौर कांग्रेस के अंदर उन्होंने डिमांड किया था किसका? पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने एक अपना कांग्रेस बनाया, उसके अंदर उन्होंने डिमांड किया कि अब हमको क्या चाहिए? पूर्ण स्वराज चाहिए, यानी पूरी तरीके से हमको इंडिपेंडेंस चाहिए। ऐसे छोटी मोटी रियायत दे के आप हमें नहीं खरीद सकते, या छोटे मोटे हमें प्रॉफिट करा करके आप हमें चुप नहीं करा सकते हैं। would be celebrated. Now it was declared that 26 January 1930 would be celebrated as the Independence Day when people were to take a pledge to struggle for complete freedom. ठीक है, 26 January 1930 के अंदर एक इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, जहाँ पर लोगों ने प्लेज लिया, उन्होंने वहाँ पर ये प्लेज लिया था कि हम हमारे इंडिया को क्या करेंगे, प्रण लिया था कि हम हमारे इंडिया को क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट कराएंगे। सो महात्मा गांधी हैड टू फाइंड अ वे टू रिलेट दिस एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ फ्रीडम टू मोर कंक्रीट इशू ऑफ एवरीडे लाइफ। अब महात्मा गांधी का जो इंडिया को इंडिपेंडेंट कराने का जो भी उनका जो मेन मोटिव था, वो धीरे धीरे उसके अंदर रोल प्ले होने लग गया, धीरे धीरे उसके अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़ने लग गया, और एवरीडे लाइफ के अंदर महात्मा गांधी ने उसको कनेक्ट करना शुरू कर दिया। नाउ द सॉल्ट मार्च एंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब गांधी जी ने लोगों की जो रूटीन लाइफ थी, उस रूटीन लाइफ के अंदर धीरे धीरे इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया, रूटीन लाइफ के अंदर उन्होंने चेंजेस करना शुरू कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक वो मूवमेंट निकाला था, उस मूवमेंट का क्या नाम था? सॉल्ट मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट।
महात्मा गांधी फाउंड इन सॉल्ट अ पावरफुल सिंबल दैट कुड यूनाइट द नेशन। महात्मा गांधी ने क्या सोचा कि सॉल्ट जो है उसको मैं एक पावरफुल वेपन बना सकता हूँ अपने इंडिया को यूनाइट करने के लिए। एक पावरफुल सिंबल होगा सॉल्ट मेरा, जिससे मैं पूरे देश को क्या कर सकता हूँ, एक बना सकता हूँ। क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज़ है जो कॉमन पीपल के यूज़ के अंदर आती है और सभी लोग इसको क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, चाहे वो कितना ही पुअर क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी रिच क्यों ना हो। On 31st January 1930, he sent a letter to Viceroy Irwin starting 11 demands. It is important, you have to learn this. Okay? 31st January 1930 के अंदर गांधी जी ने लेटर लिखा था, किसको लिखा था, इरविन वाइसरॉय जो थे, इरविन उनको लिखा था। उसके अंदर उन्होंने क्या लिखी थी, 11 demands लिखी थी। आया समझ में, 31st जनवरी 1930 को गांधी जी ने एक लेटर लिखा था, लॉर्ड इरविन को लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने 11 डिमांड्स की थी। सम ऑफ दीज वर ऑफ जनरल इंटरेस्ट, कुछ डिमांड ऐसी थी जिसके अंदर सभी लोगों का भला हो रहा था, सभी लोगों का इंटरेस्ट था। अदर्स वर स्पेसिफिक डिमांड ऑफ डिफरेंट क्लासेस फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट टू पीजेंट्स, कुछ डिमांड्स ऐसी थी जिसके अंदर अलग अलग क्लासेस के अलग अलग तरीके से उनको प्रॉफिट हो रहा था, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर के पीजेंट्स तक। The idea was to make the demands wide ranging so that all classes within Indian society could identify with them and everyone could be brought together in an united campaign. Gandhi ji ka main idea kya tha? कि मैं इस तरीके से डिमांड्स गवर्नमेंट के सामने रखूंगा कि उसके अंदर सभी लोगों के जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए, सभी को लोगों के नीड्स फुलफिल वहां पर हो जाए। तो अगर सभी लोगों का भला होगा, सभी लोगों का अच्छा होगा, तो सब लोग एक साथ एक कैंपेन के अंदर यूनाइट होकर बन जाएंगे। द मोस्ट स्टीरिंग ऑफ ऑल वॉज द डिमांड ऑफ एबोलिश द सॉल्ट टैक्स। मेन जो गांधी जी की डिमांड थी, जो बेस था सभी डिमांड का, वो क्या था कि सॉल्ट टैक्स को क्या कर दो, एबॉलिश कर दो, यानी सॉल्ट के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता है वो टैक्स क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। सॉल्ट वॉज समथिंग कंज्यूम बाय द रिच एंड द पुअर अलाइक एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल आइटम ऑफ द फूड। खाने के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो फूड आइटम काम में लिया जाता है वो क्या है, सॉल्ट है। फूड के अंदर सबसे पहले जो हम यूज़ करते हैं वो सॉल्ट है, और चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो, सबके यूटेंसिल के, सबके यूज़ के अंदर वो काम में लिया जाता है। द टैक्स ऑन सॉल्ट एंड द गवर्नमेंट मोनोपोली ओवर इट्स प्रोडक्शन, महात्मा गांधी डिक्लेयर रिवेल्ड द मोस्ट ऑप्रेसिव फेस ऑफ ब्रिटिश रूल। गांधी जी ने क्या बोला, आपका जो मोनोपोली है, यानी कि सिर्फ ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही ये राइट था कि वही सॉल्ट का मैन्युफैक्चर कर सकता है, वही सॉल्ट बना सकता है, तो ये जो मोनोपोली है उस मोनोपोली को आप क्या कर दो, हटा दो, और इंडियंस को भी राइट दे दिया जाए कि वो भी मैन्युफैक्चर कर सके, किसका, सॉल्ट का, कि इंडियन अपना सॉल्ट खुद बना सके। महात्मा गांधीज लेटर वॉज इन अ वे एन अल्टीमेटम, ये एक क्या था, अल्टीमेटम था ब्रिटिश गवर्नमेंट को। इफ़ द डिमांड्स वर नॉट फुलफिल बाय द 11th March द लेटर स्टार्टेड द कांग्रेस वुड लॉन्च अ सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन। गांधी जी ने एक धमकी दी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि 11th March तक अगर उनकी ये सारी डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो 11th March के बाद वो एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन करेंगे। इरविन वॉज अनविलिंग टू निगोशिएट, तो इरविन उनकी सारी डिमांड्स को निगोशिएट यानी कि इग्नोर नहीं कर पाया। सो महात्मा गांधी स्टार्टेड इज फेमस सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी जी ने उनका फेमस सॉल्ट मार्च वहाँ पर स्टार्टेड किया, एकम्पनीड बाय 78 ऑफ हिज ट्रस्टेड वॉलंटियर्स। किसके साथ में शुरुआत की गांधी जी ने इसकी, 78 जो भी उनके ट्रस्टेड वॉलंटियर्स थे, जिनके ऊपर जो विश्वास कर सकते थे उनके साथ में। द मार्च वॉज ओवर 240 miles फ्रॉम गांधी जी आश्रम इन साबरमती टू द गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ डांडी। अब 240 miles तक गांधी जी ने क्या करी थी, पदयात्रा करी थी, डांडी मार्च जिसको कहा जाता है, कहाँ से कहाँ तक किया था, साबरमती के आश्रम से लेकर के गुजरात का जो कोस्टल टाउन है डांडी, वहाँ तक। इसलिए इसको क्या कहा गया, डांडी मार्च कहा गया। द वॉलंटियर्स वॉकड फॉर 24 days, 24 दिनों तक उनके वॉलंटियर्स और गांधी जी चले थे, अबाउट 10 miles अ डे। एक दिन में कितना चलते थे, 10 miles। थाउजेंड्स केम टू हियर महात्मा गांधी वेर एवर ही स्टॉप, जहाँ पर भी वो रुकते आराम करते थे वहाँ पर हजारों लोग उनकी बात सुनने के लिए, उनका मैसेज लेने के लिए वहाँ पर आ जाते थे। एंड ही टोल्ड दैम वॉट ही मैंट बाय स्वराज एंड अर्ग दैम टू पीसफुली डिफाई द ब्रिटिश। और वहाँ पर गांधी जी स्वराज के बारे में, फ्रीडम के बारे में लोगों को समझाते थे। ऑन 6th April ही रीच डांडी। 6th April को गांधी जी कहाँ चले, डांडी चले।
ही डांडी पहुँचे थे, ही रीच डांडी एंड सेरेमनीली वायलेटेड द लॉ, और उसके बाद में वहाँ पर एक सेरेमनी रखी गई, सेरेमनी के अकॉर्डिंग वहाँ पर जो सॉल्ट लॉ था उसको वहाँ पर वायलेट कर दिया गया, यानी कि हटा दिया गया। कैसे हटाया? मैन्युफैक्चरिंग सॉल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। गांधी जी ने खुद वहाँ पर सॉल्ट का मैन्युफैक्चर करा था, पानी को बॉइल करके उसमें से नमक निकाला था। उसके बाद में जो सॉल्ट लॉ का जो मैन्युफैक्चरिंग था सॉल्ट का, वो किसके हाथ में आ गया? इंडियंस के हाथ में आ गया। दिस मार्क द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, और ये क्या थी? बिगिनिंग थी किसकी? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। हाउ वॉज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे अलग था ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर टू यू?